हेलो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपन देखेंगे 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग आईसी 74151। ये आईसी का इंटरनल पिन कैसे ध्यान में रखना है उसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। पहले 16 नंबर वीसीसी रहता है और 8 नंबर ग्राउंड रहता है, ये ध्यान में रखो। ये 16 पिन आईसी और 7 पिन इनेबल पिन रहते हैं, वो भी ग्राउंड करते हैं। 6 नंबर वाई बार, जो भी आउटपुट आएगा उसका ऑपोजिट में। 5 नंबर वाई मतलब आपका आउटपुट है। बाद में D0, D1, D2, D3, उसके बाद D4, D5, D6 एंड D7। बाद में 11, 10, 9, वो H0, S1 एंड H2 ऐसे। ये तरीका है, देखो 16 VCC 8 ग्राउंड, 7 इनेबल पिन है, 6 आउटपुट है लेकिन वो वाई बार है, मतलब जो आउटपुट है उसका निगेशन आएगा। 5 आउटपुट है, बाद में D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, H0, S1, H2, H2 ऐसे याद रखने का। अभी देखो ये मैं सर्किट डायग्राम, अभी वर्क कैसे होता है वो ध्यान में रखो। अभी H0, S1, H2 अभी तीनों को मैंने 0 0 0 दिया तो मेरा D0 सिलेक्ट होगा। अभी D0 को सपोज मैंने 0 दिया तो आउटपुट मेरा 0 आएगा, 1 दिया तो मेरा 1 आएगा। वैसे 0 0 1 लिया, 0 0 देखो 0 0 1 मतलब मेरा D0 को, और D0 को मैंने जो भी इनपुट दिया वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। वैसे 0 0 1 दिया तो मेरा D1 सिलेक्ट करेंगे और D1 का जो भी इनपुट है वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। जैसे 0 1 0 0 1 0 मतलब D2, मतलब D2 को मैं जो भी इनपुट दिया, मतलब 1 दिया तो 1 आएंगे, 0 दिया तो 0 आएंगे, तो आउटपुट इधर मेरा क्या आएगा D2 और इधर D1 और D0। अभी सपोज तो तुम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ EM इक्वल टू 1, 3, 5 एंड 7 एग्जाम्पल के लिए। इसका मीनिंग क्या है, 1, 3, 5, 7 के लिए मेरा आउटपुट 1 होना चाहिए और बाकी का आउटपुट मेरा 0 होना चाहिए। अभी ये 1 मेरा पिन है, बाद में मेरा 3 है, बाद में 5 है और ये मेरा 7 है। उसको मैं क्या करूँगा, VCC को कनेक्ट करूँगा, मतलब उसको मैं 1 दूंगा VCC, और जो बाकी मेरे जो पिन है, मतलब D6, D4, D2 और D0, उसको मैं क्या करूँगा ग्राउंड, अरे मेरा आउटपुट आ जाएगा। अब इसका टेबल कैसे आएंगे देखो, ये मेरा H0, S1, S2। अभी मैं तीनों को 0 0 दूंगा, ये मेरा आउटपुट है। अभी 0 0 का इधर 0 है क्या मेरा, नहीं, इसलिए इसका 0 आएगा। बाद में 0 0 0 1 1 का 1 है क्या, हाँ 1 आउटपुट में आएगा। उसके बाद 0 1 0 2 है क्या, नहीं वो 0 आ जाएगा। बाद में 0 1 1 3 है क्या, है आउटपुट 1 आएगा। उसके बाद 1 0 0 4 है क्या मेरा, इस पर नहीं तो इसका आउटपुट 0 आएगा। बाद में 1 0 1 5 है क्या, हाँ इसका आउटपुट मेरा 1 आएगा। 6 1 1 0 6 मेरे इक्वेशन में क्या, नहीं इसलिए उसका आउटपुट 0 आएगा। और 7 1 1 1 7 है मेरे इक्वेशन में, इसका आउटपुट 1 आएगा। थर्ड, ये नोच मैंने लेफ्ट साइड को लगाया इसलिए मेरा ऊपर का 16 है और नीचे का 8, उसको मैंने ग्राउंड किया। उसके बाद ये इनेबल पिन है, उसको मैं 7 को ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। 6 मेरा वाई बार आउटपुट है, वो लेने की जरूरत नहीं। और 5 मेरा आउटपुट है वाई, मतलब ये वाई, इसको मैं अभी देखो D0 को मेरा ग्राउंड है तो इसलिए मैं 4 पिन ग्राउंड करूँगा। D1 को VCC तो 3 नंबर पिन में VCC कर दूंगा, ठीक है। अभी D2 मेरा ग्राउंड है, इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। उसके बाद मेरा D3 VCC तो इसको मैं VCC में डाल दूंगा। उसके बाद ऊपर D4 मेरा ग्राउंड है, 0 है, इसलिए मैं 0 में डाल दूंगा। उसके बाद D5 VCC तो मैं D5 को VCC में डाल लूंगा।
D6 में ग्राउंड है तो मैं इसको ग्राउंड में डाल दूं। और D7 मेरा VCC है तो मैं इसको VCC में डाल दूंगा। मेरा कनेक्शन हो गया, ग्राउंड ट्रॉन में साइड में देता हूँ। अभी मुझे 3 इनपुट है मेरे, H0 ये H0 को मैं ग्राउंड में डाल रहा हूँ, सेकंड S1 ग्राउंड में और थर्ड H2 ये भी मेरा ग्राउंड में, क्योंकि मेरा पहला कंडीशन है 0 0 0। ये होने के बाद इसको मैं VCC देता हूँ 14 को और 7 को ग्राउंड करता हूँ। ये कनेक्शन हो गया, अभी इसको मैं VCC देता हूँ और 7 को ग्राउंड करता हूँ। अभी मैं ऑन करके देखता हूँ, अभी 0 0 का आउटपुट मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये मेरा पहला कंडीशन हो गया, 0 0 का आउटपुट मेरा 0। अभी 0 0 1 मतलब ये 0 को मुझे 1 करना है, ये 0 मेरा ये, इसको मैं 1 करूँगा। तो ये देखो ऐसे निकाल तो 1 कंसिडर किया, तो मेरा ये सेकंड भी आउटपुट रहा है 0 0 1 का आउटपुट, LED ऑन हुआ इसलिए 1 है। अभी फिर से उसको मैं 0 करता हूँ, फिर से वो 0 हो जाएगा, बाद में 0 1 S1। अभी S1 मेरा ये, इसको मैं ऑन करता हूँ, 1 करता हूँ, तो आउटपुट क्या है मेरा 0। तो ये मेरा 0 हो गया। उसके बाद मुझे S1 और H0, तो S1 ऑलरेडी मेरा 1 है, तो H0 को मैं वैसे भी 1 करूँगा तो मेरा आउटपुट 1 आ गया। तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। फिर से मैं सबको 0 0 करता हूँ, ये मेरा H0 है और ये मेरा S1 है। अभी ये इसको मैं 1 करता हूँ, H2 को 1 किया, आउटपुट 0 है मेरा। अभी मुझे S1 को 1 करना है तो आउटपुट मेरा 1 आ जाएगा, तो मेरा 1 आ गया। देखो ये ले, इसके बाद मैं S1 को फिर से 0 करता हूँ, और H2 को 1 करता हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या है 0। अभी मैं इसको भी 1 करता हूँ।